सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा झारखंड वर्सेस वेस्ट बंगाल के बारे में, यानी कि झारखंड स्टेट अच्छा है या वेस्ट बंगाल स्टेट अच्छा है या दोनों स्टेट अपने अपने मायने में अच्छे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड वर्सेस वेस्ट बंगाल के बारे में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल और झारखंड ये दोनों राज्य अपने आप में एक अलग ही पहचान बनाते हैं। 2011 के आंकड़ों के अनुसार जहां पश्चिम बंगाल का साक्षरता दर 76.26% है, वहीं झारखंड की साक्षरता दर पश्चिम बंगाल से पीछे यानी कि 66.41% है। जहां पश्चिम बंगाल का कुल क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर है, वहीं झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर का है। बात अगर मैन पावर की करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 9.13 करोड़ है, जो कि भारत के चौथे नंबर पर है। वहीं झारखंड की जनसंख्या 3.19 करोड़ है, जो कि 14वें स्थान पर काबिज है। 2017-18 के आंकड़ों के हिसाब से एक तरफ पश्चिम बंगाल का जीडीपी ग्रोथ रेट 12% है, वहीं झारखंड का जीडीपी ग्रोथ रेट 11.12% है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जो कि 205 वर्ग किलोमीटर का है, वहीं दूसरी ओर झारखंड की राजधानी रांची है, जिसका कुल क्षेत्रफल कोलकाता की तुलना में बहुत अधिक यानी कि 652 वर्ग किलोमीटर का है। हालांकि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को देखा जाए तो वहां पर पूरे शहर को ब्रिजों और वर्ल्ड क्लास रोड से कनेक्ट कर दिया गया है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में ये काम अभी शुरुआती दौर में है और जल्द ही यहां पर भी ब्रिजों का जाल बिछा दिया जाएगा। झारखंड एक खनिज संपदाओं से भरा हुआ राज्य है और यहां पर फ्यूचर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कई स्कोप भी हैं, साथ ही रोजगार सृजन के भी कई चांसेस हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रियल और फैक्टोरियल डेवलपमेंट के साथ साथ सर्विस सेक्टर भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। जहां पश्चिम बंगाल में घूमने के लिए टाइगर हिल, दार्जिलिंग, विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, सुंदरबन नेशनल पार्क, दक्षिणेश्वर काली मंदिर और इंडियन म्यूजियम जैसे दर्शनीय स्थान हैं, वहीं झारखंड को पहाड़ों और जंगलों का राज्य कहा जाता है, जहां पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दसम फॉल, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टैगोर हिल, पारसनाथ की पहाड़ियां, मैथन डैम, छोटा नागपुर पठार और पतरातू वैली जैसे सैकड़ों फॉल्स, पार्क्स और हिल्स लोगों को आकर्षित करने के लिए खड़े हैं। तो दोस्तों, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कौन सा राज्य आपको पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, झारखंड वर्सेस वेस्ट बंगाल की ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जहाँ मैं संजीव रहूँगा मौजूद एक बहुत ही नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।